तो फिर कौन झूठा है? मैं। मतलब? वो पानी शौके ने नहीं पिया। तो फिर किसने पिया? मैं। तेरी कसम है, शौके ने मुझे जबरदस्ती पिलाया था। असर हुआ तुझे? कोई ऐसा वैसा? तभी तो 4 घंटे से तेरे बुए के पास बैठा हूँ, जाने का दिल ही नहीं कर रहा। ठहर जा, तुझे मैं बताती हूँ, ठहर जा। लो जी, मेरी वो बात भी गलत निकली है। कौन सी बात? वो मैं कहता था मोहब्बत में चुत्ती पड़े तो आवाज नहीं निकलती, जल्दी जल्दी कर ले शौकत अली, रखी के आने का टाइम हो गया। शौका कहाँ है? घर में दाखिल होते ही शौके का नाम लेती है, सलाम ना दुआ। आया था 2 मिनट पहले, इस्त्री मांग के ले गया। घर में ही होगा वो। Thank you.
इस तरह तो तूने कभी नहीं देखा मुझे। कहीं जा रहा है? नवे कपड़े देख के पूछ रही है ना। इधर आ। मेरी नथली कहाँ है? नथली? जिसके लिए तूने 80 रुपए जमा किए थे। हाँ, आ जाएगी। कब? बस 8-10 दिनों में। बड़े दिन लगते हैं एक नथली को बनने में। दिन तो लगते हैं, रखिए। 80 रुपए कहाँ है? वो तो सुनियारे को दे दिए थे। सच? ले, मैं कोई झूठ बोलता हूँ भला? कह, तेरी कसम रखी, 80 रुपए सुनियारे को दिए। बोल, झूठ बोले तो मैं मर जाऊं। नहीं दिए ना? पूरा घर, चौपाल, बेला, सब देख आया हूँ मैं, सब। कहीं नहीं मिला सरकार। अरे नाकी, वो आने को तैयार था उसी वक्त जनाब। वो तो मैंने उसे कहा था कि मगरब की नमाज के बाद आना। मुझे लगता है रखी को बता दिया उसने। रखी को अगर बता दिया उसने तो फिर हमारे तो किसी काम जोगा ना रहा ना। नहीं नहीं मेहर साहब, 2 लख सुनने में और देखने में बड़ा फर्क होता है, खासकर उस बंदे के लिए जो वी के नोट को सबसे बड़ा नोट समझता हो। वो तो ठीक है, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद की बात हुई थी और इशा का वक्त होने वाला है। आप इशा पढ़ो मेहर साहब, मैं फिर से देख के आता हूँ। आ गल सुनो ए ना कि आ इधर बैठ जरा। ओए लड़की अगर अगवा हो जाए तो कितने दिनों का स्यापा पड़ता है। लड़की अगर कमियों की हो तो बस उतना ही जितना मुर्दे को दफनाने तक होता है, फिर उनको भूख लगने लगती है। ओए लगता है कि नमाज पढ़ी कम नहीं आई ना। कोई नमाज पढ़ के दिल छोटा ना करो मेहर साहब, शौका को हमारे हाथ से निकल नहीं गया। अरे वक्त तो हाथ से निकल रहा है ना। तेरी परजाई के कुछ लगतों की फांसी टल गई है, वो रिहा होकर आ गए ना तो ये सामने आके खड़ी हो जाएगी।
कभी तूने इसकी जुबान नहीं सुनी, बड़ा कौड़ है इसके मुंह में। फिर मुंशी से कहते हैं कि कल शाम तक रोके उसे, घर पहुंचने तक अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में बहुत सारी चीजें लुक जाती हैं। चाची बल्कीस कहती थी कि जबरदस्ती करोगे तो छुरी मार लेगी अपने आप को। अरे छुरी होगी तो मारेगी ना, चाची के हाथ पे 5 लाख रुपया रख दे, वो बयान दे देगी कि रखी मेहर के साथ नस गई और तब तक मौलवी कलमे पढ़ा देगा। मतलब करना नका ही है। अरे बसानी है, हवेली में बसानी है, उसके हाथ से जूती पहननी है और उसी के हाथ से उतरवानी भी है। सोच तो बड़ी नेक है आपकी, लेकिन लेकिन क्या चाची बल्कीस पता नहीं मन्ने ना मन्ने। अशोध्या, और चाची बल्कीस को गवाह बनाने की क्या जरूरत है, लक्की घर नहीं पहुंचेगी तो तू पहुंच जाना। चाची के हाथ पे 5 लाख रुपया रखना और कहना दर बट जा। गरीब को इज्जत भी छुपानी पड़ती है और जिल्लत भी, समझा है? और जा वेख जरा कौन है। क्या बात है कुलसुम? कोई लड़का है मेहर साहब को मिलने, शौकत अली नाम बता रहे हैं। जा उसकी डोली ले आ। अज शौके ने रोटी नहीं खाई? फिल्म देखने गया होगा। हाजरा की तरफ तो नहीं किया? मेरी तरफ से हाजरा से ब्याह कर ले। तो कर लेगा, उसकी कोई पली पुची है? देख अम्मा, मेरे जख्म ना छेड़। तू भी देख, जरूरी नहीं कि जिससे प्यार करो आप भी उनको प्यारे हो। हुआ क्या है? झूठ बोल कर गया है मुझसे। कहता था 80 रुपए जोड़ के चांदी की नथली बनवाई है तेरे लिए, पर कोई नथली नहीं बनवाई उसने। बस मेरी नक वड्डी गई और तू अम्मा कहती बस। चेक कर, नथली हाजरा के नक में ना पड़ी हो। बल्दी पर तेल ना छिड़क अम्मा, इसी चेक करने ने तो मार दिया मुझे। तेरे साथ यही होना चाहिए था, सोने के ढेर को लत मारो ना तो चांदी की नथली भी नहीं मिलती। एक बात तू भी सच सच बता अम्मा, तूने तो नहीं कोई पट्टी पढ़ाई उसे? मैंने क्या पट्टी पढ़ानी है उसे? अल्लाह जाने, दिन में तूने एक होर ख्वाब देखा हो शौके के लिए, सोने की तारों वाला सेहरा बांधकर झूमर गानी और पजेबे पहनकर नचते हुए घोड़े पर बैठ के आया वो हाजरा से ब्याह करने। लानत है तेरी शक्ल पे। तुम सब मुझसे सियाने हो अम्मा, मुझे पता था कि मैं नहीं टूट सकती, पर तुझे पता था कि शौका मुझे तोड़ेगा तो मैं टूट जाऊंगी। जवाब नहीं है ना तेरे पास तो फिर कह, लानत है तेरी शक्ल पर कोई नहीं कहेगा कि शौकिया लानत है तेरी करतूतों पर। पूरे 2 लाख। कारोबार क्या है? कारोबार नहीं, व्यापार है। कारोबार में तो कख बन के दूरा करना पड़ता है,
व्यापार किस चीज का? तुम्हें जल्दी किस बात की है? ठहर जा। नोटों की खुशबू को चाह की बदबू जाने तो दे, फिर करते हैं बात। अरे नाकी, क्या नाम है तेरे फुफड़ की बेटी का? हाजरा। हाजरा, मुंह मथे लगती है। मुंह मथे मतलब? अरे बता ऐसे मतलब। मतलब उससे ब्याह कर ले। नहीं जी, दो ब्याह नहीं कर सकता। ना कि ओ किस तरह? रखी से मंगनी है मेरी, एक तो उससे करना ही पड़ेगा। मंगनी तोड़ के उसके मुंह पे मार। वो मुंह पे चपेड़ मारेगी। और जिससे मुंह पे चपेड़ खाओ उससे ब्याह नहीं करते। वो ना जी प्यार करती है मुझसे, प्यार में ही मारती है। ओए हाजरा से ब्याह हो जाए तेरा तो वो मारेगी चपेड़? नहीं जी, वो तो कभी ना मारे, पर रखी जान से मार देगी। ओए सीधी तरह बोल, रखी से मंगनी तोड़ने का 2 लाख रुपया मंजूर है कि नहीं? सच बताओ, आपको चाची बलकीस ने कहा है ना? वो नहीं चाहती रखी से मेरा ब्याह हो। अरे फतेह मोहम्मद, ना कि पैसे उठा है वापस, उठा। व्यापार नहीं करना। साफ सीधी बात तुझे समझ नहीं आती? तुझसे क्या है, रखी से मंगनी तोड़, हाजरा से ब्याह कर, 2 लाख जेब में डाल और जा। 2 लाख जेब में डाल के तो मैं घर भी नहीं जा सकता, इतनी रकम को तो खतरा ही बड़ा होता है। तो किसने कहा है घर जा, सीधा हाजरा के दरबार में हाजरी दे, तारीख रख और गायब हो जा। तारीख? वो ब्याह की तारीख। और गायब कहाँ हो जाओ? ओए हमारे पास आ जा, ना कि हम तुझे हवेली में गायब कर देते हैं। दोनों ही काम मुश्किल है, हाजरा से ब्याह नहीं कर सकता, हवेली में गायब नहीं हो सकता। तो चल चल फुट, व्यापार खत्म, चल। ओ चल। ओ सोना, दे ऐसे 2 लाख रुपया। मैंने कहा ना दे से 2 लाख रुपया। ये रख ले, ये रख ले और घर ले जा, और आज रात को बैठ कर सोच, कुछ समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना अगली रात फिर बैठ के सोच, और अगर फिर भी समझ ना आए इसे आकर वापस कर देना, समझाया? ना कि रसीद लिख के अंगूठा लगवा लेना इसका। ठीक है भाई सर। सुन लिया ना? जी सर। क्या नींदर नहीं आनी मुझे? वो इसीलिए तो कहा है कि रख, नींदर आ गई तो सोचेगा खाक। चोर आ गया तो? वो चोर को गायब का इलम जानता है। मतलब कोई डर नहीं? मेहर साहब है ना तेरे सिर पर, तू बस बैठ के सोच और कर। अब व्यापारी बन, रखी और हाजरा में दमड़ी का फर्क नहीं, और तुझे मिल गए 2 लाख। अब कोई सियाणा हो तो
दमड़ी के लिए 2 लाख बर्बाद नहीं करता। चल तू रसीद बना। क्या क्या हुआ है? कोई ख्वाब देखा? हाँ मां, पहली बार देखा ना, इसलिए डर गई है। शौके का पता करो मां। शौके को क्या हुआ है? उसकी तो शक्ल ही बिगड़ गई है, काला मुंह, नीले पैर। तो ये कहना उसकी असली शक्ल देख ली ख्वाब में। टाइम क्या हुआ है? मुझे क्या पता, मैं कोई हाथ पे कड़ी बन के फिरती हूँ। अब अधी रात को टाइम पूछने जाएगी? चल लगा अंगूठा। अंगूठा नहीं, सैन। हाँ सैन भी कर, पर अंगूठा लगाना जरूरी है। रखी से मंगनी तोड़ने की शर्त, पर 2 लाख निसफ जिसका 1 लाख होता है वसूल पाए। फैसला बदलने की सूरत में पूरी रकम वापस करूंगा। पहले सैन के अंगूठा? पहले सैन फिर अंगूठा। मुश्किल में पड़ गया, मंगनी तोड़ दूं तो ये भी गलत है, ना तोड़ू तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। कैसे करूंगा? बाद मान, व्यापार ना कर, उधार कर, साल बाद 2.5 लाख वापस कर दूंगा। चल चल जा, चल ना व्यापार ना उधार, और ठहर जा ठहर जा ठहर जा। कहाँ करने से हैं? यहां। चल लगा अंगूठा। खब्बे हाथ का कहाँ? यहाँ। दमड़ी के लिए लाख बर्बाद नहीं करता।
बैठा थी। कल रखी बता रही थी चोर अब गरीबों के घर भी आने लगे हैं। ले नाश्ता कर ले। तू मेरा बड़ा ख्याल रखने लग गई चाची। ले दस मेरे दो दो रिश्ते हैं तुझसे। दो दो? एक तो मेरा पुत्र हर दूजा रखी का मंगेतर। क्या हुआ? पानी। ये ले। नाश्ता बस। क्यों? लगता है भूख मर गई मेरी। ना मेरा पुत्र भूख को मरने ना दे। नहीं नहीं चाची बस। अच्छा जैसे तेरी मर्जी। एक बात तो बता चाची। तेरी मेरी आपस की बात है, वादा कर रखे को नहीं बताएगी? कसमें नहीं बताऊंगी। अच्छा फर्ज कर। फर्ज ही करना। कुछ बोलेगा तो फर्ज करूंगी ना। फर्ज कर मेरा ब्याह रखी से नहीं होता। फिर क्यों नहीं होता? रखी मांग है तेरी। मैंने कहा फर्ज कर। पर मैं कैसे फर्ज करूं? मंगनी नहीं टूट सकती तेरी। अच्छा चल ये समझ के मैंने कह दिया है कि मैंने तो किसे ब्याह नहीं करना। ये तो निरी बेईमानी है शौकिया। मनिया बेईमानी है। फिर बेईमानी के कामों में मैं हिस्सेदार नहीं बन सकती। तुझे किसने कहा है कि तू हिस्सेदार बन? बस तू ये बता तू मंजूर कर लेगी? मेरा क्या है? मेरे लिए तो जैसी रखी वैसा तू। अब रखी का मुझे पता नहीं कि वो क्या करे। रखी ने बड़ा गुस्सा करना है। बात करके देख तो सही। ले जीभ कट लेगी मेरे मुंह से। लगता है किसी और पे दिल आ गया तेरा। ऐसी बात नहीं है। मैंने तो ऐवें किया फर्ज करके देखते हैं। चल मैं चलती। क्या बात है रखिए? मुझे भी नहीं बताएगी? चल बात कर और दिल की भड़ास निकाल। अपनी खबरें आप सुनाने से दिल की भड़ास नहीं निकलती। चल खबर ही सुना दे। चेक कर लिया उसे मैंने। झूठ बोला था उसने। तेरा मतलब है कि नथरी नहीं बनवाई? नहीं। और अब नथली का नाम सुन के दिल करता है अपना नाक वट के उसकी हथेली पे रख दो। वडा दे। सच कहती हूं मर उसके लिए जो तुझ पे मरता है। वरना अपने जीने का दारू कर। तेरा मतलब नहीं समझी मैं। उसका मतलब समझ गई है? मुझे वो मरासी का लतीफा याद आ गया। सच कहती हूं तेरा सिर्फ यही पूछना बाकी है शौकिया। फिर मैं ना ही समझूं। Thank you.
ऐसे क्या देख रही है चाची? चले आए किते? अब बस ऐवें ही पिंड का चक्कर शक्कर लगाने। लगा फुफड़ की तरफ से भी आई, सुने तबीयत खराब शराब है उसकी। आजा मेरे वीर, बैठ बैठ। वो शौकत अली मंगेतर है ना, भट्ठे वाली रखी का? हाँ। आया था रात को, 2 लाख रुपया ले गए रसीद पे अंगूठा लगा के। किस बात का? तुझे आप सोचे, तूने अपनी आंखों से देखा है? नहीं जी, वो कुलसूम ने देखा है, उसने तो सारी बातें भी सुनी। बुला कुलसूम को। नहीं सुरैया बेगम, उसने मुझे कसम दी है कि मैं आपको ना बताऊं। मैंने कहा ना कुलसूम को बुला। जी वो अच्छा से। तो जा अपने कमरे में जा, मैं आ रही। चल उठ ना, उठ, चल चल मेरा वीर, मैं आ रही हूँ खाना लेके, खाना लेके आ रही हूँ। चल चल, शाबाश, जा जा। चाची। वालेकुम सलाम। मैंने बड़े शैतान है इसने रैनी के, टुरा टुरा के मुझे यहाँ तक ले आए हैं। बड़े शैतान है तो इन्हें रखी के हाथ में दे देना, ना कि टुरा टुरा के उसको हवेली तक ले आएंगे। रखी की बीमारी का इलाज मिल गया। ना कि क्या बीमारी थी चाची? शौक का ही बीमारी थी, शौक का ही इलाज है। पता नहीं क्या दिया है आपने उसको, सारा दिन ताले लगा के घर में ही बैठा रहता है। वैसे आज गया फुफड़ के कार, टाइम कितना है उसके पास? कल सवेर तक का चाची। लगता है सवेर नहीं चढ़ने देगा। और ना कि रखी को भी तो मना ना, वो पता नहीं कितना टाइम ले ले। शौके का दिया गम सह नहीं सकती, सुनते ही बिगड़ जाएगी। आपने सुने है कल मगरिब की नमाज पढ़ी है बाजमात? नागा ना करना, अल्लाह जल्दी सुनेगा। ले दस
बकरियों ने सारी पहली खराब कर दी। अपनी पहली है उनकी, करने दे बर्बाद, कितना का बर्बाद कर लेंगी। अगे बता। अगे ये जी, फतेह मोहम्मद ने कहा है कि साफ सीधी बात तेरी समझ में नहीं आती। तुझे कहा है रखी से मंगनी तोड़, हाजा से ब्याह कर, 2 लाख जेब में डाल और कार को जा। शौकी ने पैसे ले लिए? हाँ जी, रुमाल में बांध के ले गया है। फतेह मोहम्मद गड्डी में बिठा के कार तक छोड़ के आया उसे। जवाब ठीक है जी। इधर क्या देख रहे? रोटी का? हाय, मैं मार गई। शौके तू? एक मिनट, जरूरी बात करनी है तुझसे, और मगरिब से पहले पहले वापस जाना है। रोटी नहीं खानी? नहीं। चल फिर बैठ, कर जरूरी बात। फुफड़ किधर है? दुकान पे। इसे तो चंडीगढ़ बोले। फट से जाके दुकान से ठंडी बोतल लेके आ शौके के लिए। रोटी खा लूं? चल बैठ। फर्ज कर रखी से मेरी टूट जाए। मंगनी? फर्ज कर ले मंगनी। हाय मैं मर गई। वो मगरिब की अज़ान हो गई है। शौके, अरे तू फर्ज करके रखी, कल आके दोबारा बात करूंगा। اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان
कौन? दरवाजा खोल। दरवाजा। एक मिनट। खोल दरवाजा। क्या छुपा है? क्या? दरवाजे को कभी कुंडी नहीं लगाई, कमरे को कभी ताला नहीं लगाया, और आज एक नहीं दो दो। ऐसा क्या तेरे पास जिसकी रखवाली करनी आ गई है तुझे? कुछ नहीं, तूने आप ही तो बताया था, चोर आ जाते हैं आजकल। ना शौकिया, तुझे तो मैं सर से लेके पैरों तक जानती हूँ। कुछ है जिसको छुपाने के लिए तूने इतने टशन कर रखे हैं। एक रुपया नहीं है मेरे पास, क्या क्या छुपाऊंगा? तो फिर कल से 20 रुपए क्यों नहीं मांगे हैं? तू आती तो मांगता। ना झूठ बोल। कसम खाऊं? खा, रख मेरे सर पे हाथ और खा कसम कि रखिए तू मर जाए अगर मैं झूठ बोलूं। मौलवी साहब से जाके पूछ, कसम खाने में गुनाह कितना है? गुनाह सारा मेरे सिर। ले एवी, तेरे कहने से सारा गुनाह तेरे सिर नहीं आ जाना। झूठ बोल रहा है ना जी, चिट्टा झूठ। ताले की? कौन से ताले की? वो घर में गिरी मिली थी मुझे, मैंने जेब में डाल ली। दे मुझे। नहीं रखी, नहीं, वो किसी ताले को नहीं लगती, कोई ताला नहीं खुलता इससे। नहीं लगती तो डर किस बात का? दे मुझे। नहीं नहीं दे, नहीं दे। दिखाऊं तुझे किस ताले की चाबी है? रुपया को हाथ ना लगाना, अमानत है किसी की, वापस करने हैं। अरे हट, अरे हट। रखिए तू। रखी बस 2 लाख की है, मैं तो समझी थी बड़ी महंगी होगी। और आपको तो हमेशा से महंगी चीजें खरीदने का शौक था मेहर साहब, महंगी गड्डी, महंगा जेवर, महंगा बेड और मशूक इतनी सस्ती। मशूक तो सारे सस्ते होते हैं सरैया पैगमा, इश्क उन्हें महंगा कर देता है। खैरा, खैरा जी बेगम साहब।
रखी से मुलाकात करवा मेरी, कल शाम से पहले पहले। चल अब अपने हाथों से मुझे हवेली छोड़ के आ। क्यों? कीमत वसूल की है, माल खरीदार को भेज। कीमत नहीं, दलाली। कीमत रखी कि कौन माई का लाल देगा, ये दलाल या वो खरीदार? इन कमीनों से तो मेरी 250 रुपए की दिहाड़ी नहीं खरीदी जानी। डर ना चपेड़ नहीं मारने लगी तेरे मुंह पर। तेरा मुंह है इसका पे कि रखी उस पर चपेड़ भी मारे। मैं तो बस ये कहने लगी हूं कि ये पैसे इकट्ठे कर और बाजार निकल। रखी जैसी किसी एक की मोहब्बत का चुंगा भी लेकर आया ना, तो फिर कसम हया वालियों के सिर पे जुत्ती मैं खुद मारूंगी। चल नजिए, ठहर, इसे गौर से देख तो लेने दे। कल परसों हो सकता है मुझे भी किसी से मोहब्बत हो जाए। मोहब्बत तो मर्द की गैरत से होती है ना रखिए। जब इसका हुलिया और नक्शा मुझे याद होगा तो मैं आराम से पहचान लूंगी सामने वाला गैरतमंद नहीं है। चल रखिए। पांच नमाजों में बस एक मेरे लिए रखी है मेयर साहब, बाकी दलाल खरीदने में कजा कर देते हो। अरे ना, की गलत फहमी हुई है तुझे। गलत फहमी आपको भी हो गई है। 20 रुपए का शौका 2 लाख में खरीदे आप। व्यापार का इतना ही शौक था तो सीधा मुझसे बात करनी। बेअदब, किसके सामने बोल रही है? उसके सामने अम्मा, जो खीसे में पैसे रख के समझता है कि हर चीज खरीदी जा सकती है। नहीं मेरे साथ, जब मैंने नहीं बिकना तो नहीं बिकना, ना मेरी मां को मेरी बोली देने से और ना शौके को मेरी दलाली देने से। मेहरबानी करो, कल से मस्जिद भी बदलो तो नमाज का टाइम भी। ना ना ना। ओ शौके आया। नींद नहीं आई? नहीं। बुलाया तुझे मेहर साहब ने?
मुंह हाथ धो के डेरे पर आ जाना। मुंह हाथ धोने जोगा नहीं रहा मैं, अभी ले चल मुझे। तो चल फिर। एक मिनट, ज्योतिबा आगे आया। ऐसा लगता है भट्टे का फासला घर से दूर होता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं नजीए कि पट्टा होली होली मेरी पहुंच से दूर हो जाए। रखी और रखी। मैं हवेली से आई हूं, सुरैया बेगम ने बुलाया है तुझे। कहाँ? हवेली में। मैंने हवेली जाना होता तो सुरैया बीबी को बुलाने की जरूरत पड़ती। तेरे हक की कोई बात करनी है उन्होंने? नार साहब इस वक्त हवेली में नहीं होते। आदम नहीं है? आदम की बू तो है ना, नहीं जाना मैंने। आदम से नहीं डरती तो आदम की बू से क्यों डरती है? चल मैं तेरे साथ। बैठ जा यहाँ। ऊपर मंजी पर बैठ। नहीं ऊपर नहीं, यहाँ नीचे। ऊपर जगह नहीं है मेरी, बस तू फटाफट बैर साहब को बुला, मैं बात करूंगा और वापस जाऊं। बैर साहब आते ही होंगे। नकी सोचिया? सोचिया। फैसला किया? कर लिया। तो फुफड़ की धी से ब्याह के लिए राजी है? रातों रात कलमे पढ़वा दूं? वो जी रखी को पता चल गया है कि आपने मंगनी तोड़ने के 2 लाख दिए मुझे। रखी की परवाह ना कर तू, यही तो बताने आया। परवाह करनी पड़ेगी। देखे ना मैं साहब, वी करके रखी ने भी तो 2 लाख दे दिए होंगे मुझे। ना रसीद लगवाई और ना अंगूठा लगवाया। और मौलवी साहब कहते हैं अल्लाह करे बंदा कर्जदार ना मरे। कर्जा नहीं दिया ना कि? तो फिर वो रसीद, वो अंगूठा? जिस दिन तू मंगनी तोड़ेगा फतेह मोहम्मद तेरे सामने रसीद पार देगा।